हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर मैं हूं आपके सामने हाजिर। और ये वीडियो भी ट्रायल को लेकर के, जी हां बिल्कुल सही पहचाना, ट्रायल। जी हां, इस बार मैं बताऊंगा आपको छत्तीसगढ़ क्रिकेट ट्रायल के बारे में, छत्तीसगढ़ स्टेट टीम कैसे जो है आप उस टीम में आ सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट टीम में बना सकते हैं। जी हाँ, ट्रायल जो सभी बच्चे देना चाहते हैं, जो बच्चे छत्तीसगढ़ में रहते हैं या जिनके पापा का ट्रांसफ़र वहाँ हो गया या जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सभी एलिजिबल होते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट टीम के ट्रायल देने के लिए और स्टेट की टीम में वो खेल सकते हैं। जी हाँ, प्रोसेस जो है वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अदर स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं की तरह है, मिलता जुलता है और बहुत आसान है। बस आपको जो है ध्यान रखना है कि कब ये ट्रायल होंगे और कहाँ पर आपको ट्रायल देने के लिए जाना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो में आप बने रहिएगा शुरू से एंड तक, और जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ उसको आप नोट करके रखिएगा ताकि आपके काम आए और आप उसको दूसरों को भी शेयर कर सके। जी हाँ, तो चलते हैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट ट्रायल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे आप जो है छत्तीसगढ़ की टीम में आ सकते हैं। जी हाँ, पहले तो आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो है कहाँ पर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो एक हिंदुस्तान का, भारत का राज्य है और ये छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं, इस पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले आते हैं। ये सारे मध्य प्रदेश में थे पहले, यानी कि छत्तीसगढ़ था ही नहीं। अब से 23 साल पहले यानी 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की। उससे पहले ये पूरे का पूरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश में आता था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की कोई रणजी ट्रॉफी की, कोई सीनियर मेंस की और जूनियर की कोई टीम थी ही नहीं, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं था, ये सब मध्य प्रदेश में था पहले। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से निकल कर, मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई और फिर उसके बाद वहाँ पर BCCI ने जो है उस छत्तीसगढ़ राज्य को जो है क्रिकेट खेलने की एसोसिएशन को मान्यता दे दी और वहाँ पर रणजी ट्रॉफी टीम जो है अपना जभी से जो है मैचेस वगैरह खेल रही है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड को काफ़ी बाद में जो है रणजी ट्रॉफी की मान्यता मिली है। सीनियर क्रिकेट वहाँ पर पहले, जूनियर क्रिकेट वहाँ पर पहले BCCI को जो है, नहीं BCCI उनको खेलने नहीं देती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में पहले से ही डोमेस्टिक क्रिकेट है। हाँ, तो अब मैं बताऊँगा वहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि कौन ट्रायल दे सकता है। मैंने पहले भी बता दिया इस वीडियो में कि वहाँ जो रहते हैं, वहाँ जो पढ़ते हैं या वहाँ पर किसी के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उसके पापा का हो गया वहाँ पर ट्रांसफ़र, छत्तीसगढ़ में किसी भी एक शहर में जा करके वो वहाँ पर नौकरी करने लग गए, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो वो जो है वहाँ उनके बच्चे ट्रायल देने के लिए एलिजिबल हैं अगर वो बच्चे वहाँ पर अपने स्कूल में एडमिशन लिखवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं। जी हाँ, तो करना क्या होता है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो ट्रायल होता है वो जिला लेवल पर होता है। जी हाँ, जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, यानी कि 33 जिलों में हर एक ज़िले में ट्रायल होता है, जो भी आपका ज़िला है। देखो, जब हम कहीं रहते हैं तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, हम यूपी में रहते हैं, यूपी में भी डिस्ट्रिक्ट है, तो हर कोई बंदा जहाँ पर भी रहता है वो एक ज़िले में रहता है, उस ज़िले का नाम उसको पता होता है। तो छत्तीसगढ़ के किसी भी अगर आप ज़िले में रहते हैं तो उस ज़िले के ट्रायल में आपको जाना है, वहाँ आपको यह ट्रायल की जानकारी वो न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाएगी, या वहाँ अगर आप किसी अकेडमी में हैं, ग्राउंड में हैं, क्लब में हैं, स्कूल में, तो ये जानकारी जो है सभी को भेजी जाती है। एसोसिएशन जो है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन जो है, सारी जानकारी जो है ट्रायल की जानकारी सभी जगह फैला देते हैं। जी हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है, जो ट्रायल होते हैं वो ओपन होते हैं। ओपन का मतलब ये है कि जिस ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले के कोई भी बच्चा जो है ट्रायल में जा सकता है। ट्रायल अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर सभी के लिए एक जैसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, डायरेक्ट ओपन ट्रायल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ पर उसकी सूचना अखबार में आती है, एसोसिएशन एक नोटिस निकालती है, एक विज्ञप्ति निकालती है, विज्ञापन देती है कि जो है जो बच्चे क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका ट्रायल होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रायल होते हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर, ये सारे एक ही दिन नहीं होते और एक ही जगह पर नहीं होते और एक ही इनके सिलेक्टर नहीं होते। हर टीम का ट्रायल, हर एज ग्रुप का ट्रायल अलग ग्राउंड पर होगा, अलग डेट को होगा। हो सकता है एक ग्राउंड पे हो जाए तो डेट अलग होगी, मान लीजिए कोई ग्राउंड है वहाँ पर आज अंडर 14 के हो रहे हैं, अगले महीने अंडर 16 के होंगे, तो ग्राउंड भी चेंज हो सकता है और डेट भी चेंज होगी 100%। और मैं आपको बता देता हूँ, हर एज ग्रुप की जो टीम होती है उसको सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी होती है, जूनियर और सीनियर। जी हाँ, जो जूनियर सिलेक्टर होते हैं वो जूनियर टीम बनाते हैं और जो सीनियर सिलेक्टर होते हैं वो सीनियर टीम बनाते हैं। सीनियर सिलेक्टर बनाएंगे सीनियर मेंस और वुमेंस की टीम, जूनियर सिलेक्टर बनाएंगे जूनियर मेंस और वुमेंस की टीम। जी हाँ,
सभी में पांच पांच सिलेक्शन होते हैं, सभी सिलेक्शन कमेटी में पांच सिलेक्टर आपको जो है सिलेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। जी हाँ, जब आपका ट्रायल जो है जिला लेवल पे हो जाएगा फिर आप जिले की टीम में आ जाओगे। ठीक है, पहले आपने जिले का ट्रायल दिया फिर आप जिले की टीम में आ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जितने भी 33 जिले मैंने बताए हैं उन 33 जिलों के 8 ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी कि तीन तीन टीमों के 8 ग्रुप बनाए जाते हैं। तो 8 × 32 और जो 33वां जो जिला होता है वो एक किसी ग्रुप में 5 टीमें कर देते हैं, वहाँ 5 में मिल जाते हैं। तो मान लो आप किसी भी जिले में रह रहे हैं, वहाँ जिले की टीम बन गई है, फिर आपको जो है आसपास के जिलों की जो है एक ग्रुप बनाया जाएगा, 8 ग्रुप बनेंगे उसमें। तो हर एक ग्रुप में 3 लीग मैच मिलते हैं आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया 8 ग्रुप हो गए सभी जिलों को मिला करके, हर ग्रुप में 4 टीमें हो गई और हर 4 टीमों को 3-3 लीग मैच मिलते हैं खेलने के लिए। जब आप इन 3 लीग मैचों में परफॉर्मेंस करते हैं तो आप जो है इन 8 ग्रुप्स में से 4 ग्रुप बना जाते हैं, यानी कि सेमीफाइनल बनती है, 4 टीमें निकलती है 8 ग्रुप में से। तो आपको वहाँ पे सेमीफाइनल मैच खेलने को मिलता है और उसके बाद फाइनल मैच खेलने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, क्लब जब जिले का जो ट्रायल होता है उसके ट्रायल के बाद आपको 3 लीग मैच मिलेंगे। अगर 3 लीग मैचों में आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी तो आपको सेमीफाइनल मिलेगा खेलने के लिए और उसके बाद फाइनल मैच खेलेगा खेलने के लिए, यानी कि 3 से 5 मैच आपको मिलेंगे। और जब इस इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग में आप परफॉर्मेंस करोगे तो आपको जो है फाइनल कैंप के लिए एसोसिएशन बुलाती है स्टेट के लिए। या यस, तो वो जो कैंप लगेगा इन लीग मैचों के बाद में, इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग के बारे में जो कैंप लगेगा वो फाइनल कैंप होगा, वो स्टेट का कैंप होगा। उस कैंप में आपकी जो है आपकी काबिलियत को, आपके हुनर को परखा जाएगा। 5 सिलेक्टर वहाँ बैठे होंगे डेली, कभी आपका फिटनेस लेवल ट्रायल होगा, कभी आपका बैटिंग का ट्रायल होगा, कभी बॉलिंग का, कभी फील्डिंग का, हर चीज़ का वहाँ ट्रायल होता है। पूरा कैंप चलता है, एक एक महीने कैंप चलता है, 15-15 दिन कैंप चलता है। और उस कैंप में भी जो है फिर सिलेक्शन मैचेस होते हैं, ट्रायल मैचेस होते हैं, 2-3 टीमें बनाई जाती है, वहाँ पर आपको मैचेस मिलते हैं खेलने के लिए, यानी कि आपकी स्किल देखी जा रही है, उसके बाद आपको टीम में लिया जा रहा है, ट्रायल मैचेस कराए जा रहे हैं। तो प्रोसेस बनता है, ये पूरा प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस में आने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, वहाँ पे ओपन ट्रायल दो, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम में आने के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलो, सेमीफाइनल खेलो, फाइनल खेलो और कैंप में आ जाओ। फिर कैंप में आने के बाद में जो है जो ट्रायल मैचेज होंगे उनमें खेलो। जब आप काबिल हैं, आपके अंदर हुनर है, तो आपको हर कोई बुलाएगा। अगर आपके पास अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास अभी हुनर नहीं है, आप सीख रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको जो है टीम में कोई नहीं लेगा। जी हाँ, 5 सिलेक्टर होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, और उन 5 सिलेक्टर्स में जो जो है अगर आपको 3 सिलेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप टीम में आ जाते हैं, अगर 2 करेंगे तो नहीं आओगे। सिंपल प्रोसेस है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जी हाँ, ऐसा मत करिएगा कि खाली बस घर पे बैठे रहो, पढ़ाई करते रहो, नौकरी पे जाते रहो और जब ट्रायल आए तो ट्रायल देते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो बच्चा कंटिन्यू क्रिकेट सीख रहा है, एकेडमी में जा रहा है, सुबह शाम पसीना बहा रहा है और मेहनत कर रहा है, मैचेस खेल रहा है, टूर्नामेंट खेल रहा है, अपना सारा ध्यान पूरा फोकस क्रिकेट पे लगा रहा है, वही बच्चे ट्रायल देने जाए, नहीं तो जाए मत। मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 33 जिलों में आप समझ सकते हो कितने क्रिकेटर होंगे। फिर उन सभी क्रिकेटर्स में से ओनली 15 प्लेयर को चुना जाता है एक टीम में, कंपटीशन होता है 7वें आसमान पे। तो मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ, जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना सारा ध्यान उनका पढ़ाई पर है, फोकस उनका सारा एक मतलब वो फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब पढ़ाई के दम पर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो बच्चे ट्रायल देने ना जाएं। जी हाँ, क्योंकि क्रिकेट में जब ट्रायल होता है कंपटीशंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्योर क्रिकेटर आते हैं जो बड़ी बड़ी एकेडमी में अपनी क्रिकेट को सुधार रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान में ही क्रिकेटर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ से जा कर के दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं और ट्रायल देने के लिए अपने स्टेट में आते हैं, वहाँ पर वो बच्चे आपको मिलेंगे। तो आप समझ जाइए कितना हाई कंपटीशन होता है, कितना हाई लेवल का जो है क्रिकेट यहाँ पर इंडिया में हो रहा है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, जो प्रॉपर क्रिकेटर हैं, जो अकेडमी में जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने ये अपनी लाइफ डेडिकेटेड कर दी है, यानी समर्पित कर दिए क्रिकेट को, वही ट्रायल के लिए जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के सर्टिफिकेट्स, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स यानी कि मार्कशीट्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ले, 2 फोटो इकट्ठे कर ले और ट्रायल के लिए रेडी रहें। देखो होता क्या है, ओपन ट्रायल जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे वो मई में भी होते हैं, लेकिन बरसात में नहीं होते हैं। जी अब जैसे बरसात ख़त्म होगी, बरसात के बाद ट्रायल स्टार्ट होंगे या बरसात से पहले ट्रायल होंगे, बरसात के सीज़न में कभी ट्रायल्स नहीं होते हैं। और जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो टूर्नामेंट्स होते हैं अक्टूबर के बाद स्टार्ट, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 7-8 महीने के अंदर टूर्नामेंट्स BCCI करवाती है, उन्हीं टूर्नामेंट के लिए
स्टेट लेवल की टीम बनती है ताकि वो टूर्नामेंट खेलने चले जाए। जी हाँ, आप ये समझिए, अगर अगले साल कोई टीम 2024-25 में खेलेगी तो उसके ट्रायल भी होंगे और उसके मैचेस चलेंगे अगले साल तक, यानी कि पूरा प्रोसेस रहता है 7 से 8 महीने का। ये कोई एकदम से होने वाली चीज़ तो है नहीं, इसमें एक प्रोसेस लगता है। जैसे हम नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर उसके एक साल बाद नर्सरी क्लियर होती है, वैसे ही यहाँ पर भी ओपन ट्रायल के बाद, डिस्ट्रिक्ट के बाद, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग मैच होते हैं, फिर कैंप लगते हैं, फिर कैंप के बाद फाइनल टीम बनती है। तो प्रोसेस होता है, तो है आसान लेकिन है मुश्किल, नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मेहनत करिए और बने रहिए अपने गेम को लेकर के, अपने फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ। जी हाँ, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल वीडियोस के लिए जो ट्रायल से रिलेटेड होती है, जैसे कि मैं सारी वीडियोस अभी ट्रायल्स पर बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्लेयर के लिए। एक ट्रायल ही एक क्रिकेटर की लाइफ को बदल सकता है। तो वैसे ही आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जी हाँ, और इस वीडियो को शेयर करिए, जी हाँ, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो और लोगों को भी ये पसंद आएगी, ज़्यादा से लोग इस वीडियो को देखेंगे। जी हाँ, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। जी हाँ, और जो बच्चे छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिनों से पसीना बहा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ट्रायल के बारे में, तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।